स्टूडेंट, वेलकम माई यूट्यूब चैनल कपर्टी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक सत्य की जीत में। जो द्रौपदी है, जो सत्य की जीत की नायिका है, उसकी हम चरित्र चित्रण को आज यहाँ पर जानेंगे। तो सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर उसके प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। नारी अबला नहीं सकती रूपा है, द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से इस कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। सिद्ध कीजिए कि द्रौपदी सत्य की अपराजय आत्मिक शक्ति से ओतप्रोत नारी है। तो ये सारे प्रश्न जो आपकी इंटर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम देखते हैं यहाँ पे द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपका। तो द्रौपदी प्रस्तुत खंड काव्य की नायिका है। जो सत्य की जीत आपका नाटक है, तो उसमें द्रौपदी जो है वो उसकी नायिका है। उस सत्य की जीत नाटक की जो पाँचों पांडवों की पत्नी है, युधिष्ठिर द्वारा जुए में हारी जाती है और कौरवों द्वारा अपमानित करने के लिए राज दरबार में आहूत है। वह महाभारत की द्रौपदी की भांति आर्त, सुकुमार और करुण रूप में यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई है। यहाँ पर उसका चरित्र अत्यंत ही सशक्त, ओजस्वी, आत्मबल और आत्मसम्मान से युक्त वीरांगना का है। वह असत्य, अन्याय और अत्याचार से मोर्चा लेने के लिए अत्यंत ही निर्भीकता पूर्वक खड़ी है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है निर्भीक और साहसी। द्रौपदी पांडु कुल वधु है। पांडवों के जुए में हार जाने के पर दुशासन जब केस खींचकर उसे राज दरबार में अपमानित करने के लिए आता है, तो वह निर्भीकता पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकारती है और कहती है, समझकर एकाकी निशंक, लिया मेरे केसों को खींच, रक्त का घूट पिए मैं मौन, आ गई भरी सभा के बीच। इसलिए नहीं कि थी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार, देख ले मेरा भैरव रूप। तो दूसरा है इसका, दूसरी जो चारित्रिक विशेषता है उसकी, नारी की शक्ति, संपन्नता एवं समान अधिकारों की पक्षधरता। द्रौपदी नारी की शक्ति संपन्नता को स्वीकारती है। वह कहीं भी नारी को पुरुष से पीछे नहीं पाती है। वह पुरुष की भांति नारी के समान अधिकार और समान शक्ति की घोषणा करती है। दुशासन को संबोधित करते हुए वह कहती है, नहीं नारी के बल का अभी लगा पाए हो तुम अनुमान, शक्ति उसमें है वह सन्निहित की जिसमें हिल जाए चट्टान। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं या स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तो तभी पूरा होगा या स्वर्ग। तुम ही क्या जग की कोई शक्ति न कर सकती मेरा अपमान, भले ही संकट मुझ पर आज किंतु अंतर मेरा बलवान। तो इस तरह वो नारी कहती है, मतलब उन दोनों के बीच में, नारी और दुशासन के बीच में वार्तालाप होती, आपस में बहस होती है। वो दुशासन पुरुष को श्रेष्ठ बताता है, तो द्रौपदी नारी को श्रेष्ठ बताती है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में वो ये सारी बातें कहती है कि नहीं नारी के बल का अभी लगा पाए हो तुम अनुमान, शक्ति उसमें है वह सन्निहित की जिसमें हिल जाए चट्टान। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं या स्वर, चाहिए नारी का नारित्व तभी पूरा होगा या शर। तुम्हें क्या जग की कोई शक्ति नहीं कर सकती मेरा अपमान, भले ही संकट मुझ पर आज किंतु मेरा अंतर है बलवान। मतलब वो अंदर से बलवान है। वो कह रही है, भले ही आज मुझ पर संकट आया है लेकिन मेरा अंतर बलवान है। तीसरी इसकी चारित्रिक विशेषता है न्याय और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा। द्रौपदी सत्य और न्याय पर अटूट विश्वास रखती है। सत्य की अपराजय आत्मिक शक्ति से वह ओतप्रोत है। इसी शक्ति के बल पर वह दुशासन की अन्यायी पाश्विक शक्ति को बड़ी ही दृढ़ता से लड़कारती है।
और कहती है, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मानती आई हूँ मैं सतत सत्य ही ईश्वर भगवान, सत्य का पक्ष धर्म का पक्ष न्याय का पक्ष लिए मैं साथ, अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझ पर हाथ। अगला उसकी उसकी चारित्रिक विशेषता है शस्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास, उसको शस्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास है। द्रौपदी शस्त्र और शास्त्र दोनों की संतुलित शक्ति पर ही मानवीय संस्कृति को सुरक्षित मानती है। द्रौपदी का विश्वास है कि शास्त्र युग युग के चिंतन का मूल तत्व है और शास्त्रों के आधार पर ही आज तक मानव संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। अगली विशेषता है धर्मनिष्ठ सती साध्वी नारी। द्रौपदी का चरित्र एक भारतीय सती साध्वी नारी का आदर्श चरित्र है जो भारत माता का प्रतीक है। भारत अपने संतुलित विवेक और लोक कल्याणमयी दृष्टि के लिए विख्यात है। आज के अनास्थावादी युग में विखंडित हो रहे जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन के लिए कवि द्रौपदी के चरित्र के माध्यम से सत्य न्याय धर्म विवेक समता और समष्टि आदि मानवीय आदर्शों का संकेत देता है, जिससे द्रौपदी के रूप में भारत की प्रतिमा साकार हो उठी। स्वयं धृतराष्ट्र द्रौपदी के इस गुण और शील की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, द्रौपदी धर्मनिष्ठ और सती साध्वी न्याय सत्य साकार, इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति आपार। तो ये था सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी का चरित्र चित्रण। इसमें मैंने 5 इसकी विशेषता बताई है द्रौपदी जी की, निर्भीक और साहसी, मतलब वो निडर थी और साहसी थी। इसको आप सरल भाषा में भी लिख सकते हैं कि वो निडर थी, साहसी थी और नारी की शक्ति संपन्नता एवं समान अधिकारों की पक्षधरता। अगला है न्याय और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, उनको जो है सत्य और न्याय के प्रति पूर्ण निष्ठा थी।